बिस्मिल्स सो ये हमारे इस वीक का गोल था कि हम थोड़ा बहुत uh, जो रिमोट डेटा हैं उनके साथ काम करें और uh, हमने अपना डाटा कैसे मैनेज करना है और मोस्टली uh, हमारा जो मेन टारगेट था उस इस वीक का वो फायर था कि हम फायरबेस को थोड़ा बहुत स्टडी करें कि फायर में कौन कौन से फीचर्स हैं जिसको हम यूज़ uh, कर सकते हैं जो कि यूजफुल हैं आज का जो मेन uh, गोल है वो uh, जो डेटा बेसिस है Firebase में, mostly, uh, uh, उस पर काम करेंगे सही है? अच्छा तो हम आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं डाटा बेसिस के लिए सो so, फायरबेस में हमारे पास दो टाइप के डेटाबेस अवेलेबल है एक हमारे पास है क्लाउड फायरस्टोर सही एंड दूसरा हमारे पास है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस क्लाउड फायरस्टोर और फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस असल में जो क्लाउड फायरस्टोर है उसके बैकएंड पे भी फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है सही है बट uh, फायर uh, जो रियल टाइम डेटाबेस है उसमें uh, आपके पास क्वेरीज का इतना ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल नहीं है सही है और उसमें उसमें अपना जो आपका जो बैकएंड है वो मॉडल करना थोड़ा इस कंपेयर टू द फायरस्टोर का थोड़ा सा मुश्किल होता है सही है एंड फायरस्टोर इज अ बिट इजीियर एज़ कंपेयर टू द रियल टाइम डेटाबेस इसमें हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर होता है उसकी तरफ हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सही सो uh, so यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं एक रियल टाइम डेटाबेस है एंड क्लाउड फायरस्टोर है

अब यूज़ केस पे आते हैं कि रियल टाइम डेटाबेस को हम हमें किस आ, आ, कौन से सिनेरियोस में यूज करना चाहिए रियल टाइम डेटाबेस जो है वो हम उन सिनेरियोस में यूज करते हैं जब आपके पास रियल टाइम डेटा चाहिए होता है फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं करीम एप्लीकेशन की सही है सो उसमें जब आप आ, 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 एक राइड बुक करते हैं करीम में सो उसमें ये है कि जो आपका राइडर होता है उसकी रियल रियल लोकेशन आपको नजर आ रही होती है

Uh, uh, यहाँ से आप जो है ना वो uh, जो आप लोकेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं बट दिस right uh, ये, ये uh, जो बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं उनके मैटर करते हैं आपके पास रीजन होते हैं मुख्तलि गूगल क्लाउड है उसके मुख्तलिफ रीजन है क्या आपका डाटा किस सर्वर में पड़ा होगा सही है सो दीज आर लाइक रिलेटेड यू एस सेंट्रल है ये right यूरोप ये ये, जो है ना वो रीजन है सही है इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं सो लेट्स सपोज मैं एशिया में हूँ सो so मुझे एशिया का जो नियर नियरस्ट है uh, वो सेलेक्ट कर, कर, करना चाहिए बट इट डिपेंड ऑन द कास्ट एज वेल क्योंकि ये बट uh, अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पढ़ी सो इसको अगर आपने पढ़ी है सो दीज आर लाइक डिफरेंट जो आप आ, 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 आप आपका जो जो डेटा सर्वर है उसका, उसका रीजन आप सेलेक्ट करते हैं कि आपका कि आप किस डेटा सेंटर को चूज कर रहे हैं अपने डेटा स्टोर करने के लिए सही? जस्ट फॉर नाउ जस्ट लीव इट लाइक इज राइट नाउ एंड जस्ट इनेबल इट सो यहां पर हमारे पास क्लाउड फायर स्टोर की जो फंक्शनलिटी है वो एनेबल हो जाएगी अब जो नेक्स्ट स्टेप है आ, वो है

ओके, सो ये हमारा क्लाउड का जो फायर uh, स्टोर है पर जो ये हम डेटा सेक्शन में है यहाँ पर रूल्स है जहाँ पर आप सिक्योरिटी रूल्स लिख सकते हैं सही है सिक्योरिटी रूल्स असल में uh, आप, आपका डेटा सिक्योर करने के लिए है कि आप किस बंदे को किस लेवल तक आप डेटा uh, uh, uh,

अब ये ये हमारे पास की क्या है यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन आते हैं सारे यहाँ से आप एक कलेक्शन 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 इज़ जस्ट लाइक सही आ, अब यहां पर को आईडी दे सकते हैं सही अगर आपने इसको आईडी नहीं दे रहे हैं एंड नेक्स्ट पे अच्छा कलेक्शन का नेम देना पड़ेगा यहाँ पर सही है लेट सपोज का टेबल है सही है आप इसको एक यूजर का टेबल कंसिडर कर सकते हैं सो so, टेबल यहां पर आप इनिशियली एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा मैं इसको जस्ट ये दे रहा अब यूजर्स हैं तो हम देख लेंगे हमारे पास जो यूजर है उसका अच्छा यहाँ पर यूजर डेटा में हम देखते हैं वो सेम वैल्यूज हम यहाँ पर भी दे देते हैं सही है एक हमारे पास है फुल uh, नेम फुल नेम फादर नेम फोन ईमेल एंड पासवर्ड फुल नेम उसको राइट नाउ ब्लैंक ही छोड़ देता हूं सही है फादर नेम ओके एंड देन फोन ईमेल एंड फूल एंड ईमेल अच्छा पासवर्ड फील है तो पासवर्ड आपने कभी भी आपने कोशिश करनी है कि आपने कभी भी स्टोर नहीं करना सही है, ये एक general, uh, है आप, आपने जहन में याद रखना है ना उसमें वो आपका वहां पर सेव होता है सही है और लेट सपोज अगर आपने किसी पॉइंट पे पासवर्ड स्टोर भी करना है तो उस, uh, उसको आपने डायरेक्टली uh, मतलब प्लेन टेक्स में स्टोर नहीं करना उसको आपने जो है ना वो

सो ताकि आपके यूजर्स का जो डाटा है वो आपके पास uh, वो uh, उनका जो सेंसेटिव डाटा है वो किसी user, किसी हैकर्स को ना मिल सके है, सही है सो uh, so आपने पासवर्ड कभी भी अपने साथ सेव नहीं करना जो फायरबेस uh, का सिस्टम है वो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली खुद सेव करता है सही है सो लेट्स सेव इट अभी यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन बन गया है what the ah, well, uh, sorry so let's resume it okay so sorry for 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 this uh, quick mistake uh <clears throat> okay सो so, यहाँ पर हमारे पास एक ये कलेक्शन है कलेक्शन में हमारे पास एक यूजर का डॉक्यूमेंट आ गया है सही है अब यूजर में हमारे पास ये डाटा है इसमें कुछ डाटा तो राइट नाउ नहीं है बट इसमें कुछ डाटा डाल हूं, uh, name, देता हूँ सही है test8@gmail.com सही है फादर नेम है सपोज वो कर देते हैं फुल नेम है इसको मैं कर देता हूँ फोन है सो यहाँ पर हम कोई फोन नंबर भी डाल देते हैं

का uh, की यूनिक आईडी है यहाँ पर सही अब आपने इस कलेक्शन में कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है सो आप और डॉक्यूमेंट्स भी राइट नाउ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बट राइट uh, नाउ right बाकी डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से ऐड नहीं करते हैं सही है uh, अभी हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ और हमने देखना है कि हम यहाँ पर डेटा यूजर का डेटा कैसे किस तरह पुस्ट करेंगे सही है मतलब यूजर का डेटा हमने हम कैसे अपलोड कर सकते हैं uh, किसी भी क्लाउड फायर स्टोर पे या किसी भी डेटाबेस uh, पे सही सो so, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है Uh, कि ये जो यूजर का डाटा है यहाँ पर जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट में तो हमारे पास जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड आता है सही है जब हम क्रिएट अकाउंट करते हैं सही है है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन सेटअप सेटअप जस्ट का जो यहाँ पर हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट ई एंड पासवर्ड आता है और बाकी डेटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं होता है इस यूजर डाटा में सही है कुछ और डेटा होता है बट राइट नाउ वो राइट नाउ अभी हम वो यूज नहीं करेंगे सही है Uh, हमने करना क्या है जब हम uh, एक यूजर का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसको यहां पर क्रिएट उसका, उसका करेंगे फोन नंबर है ई I mean तो है. है, 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 है सही है तो ये सारा डाटा हम कहां पर स्टोर करेंगे सारा डाटा हम आके यहाँ पर इस कलेक्शन में स्टोर करेंगे सही है एंड दिस इज बेटर वे टू डू इट ताकि यूजर यु, यु, का जो डाटा है वो हमारे पास किसी खास लोकेशन पे पड़ा रहा है आ uh, जिसको हम यहाँ से फिर एक्सेस कर सकें। आ uh, सो so, हम आते हैं यहाँ पर सो दिस बोल लॉगिन स्क्रीन आ सर्विस ओके अच्छा ये हमारे पास uh, रजिस्टर स्क्रीन है अच्छा सो so, रजिस्टर स्क्रीन से हम कॉल करते हैं आठ को यहाँ पर और ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं ये कैसा होता है सही है आ सर्विस डॉट क्रिएट अकाउंट

सो uh, so, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं uh, अच्छा अब ये हमारे पास आज सर्विस है सो so, uh, अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो ऑथेंटिकेशन का जो सेटअप है ये एक uh, ये एक अलग इसको हम एक अलग मॉड्यूल कर देते हैं सही अब ऑथेंटिकेशन का जितना भी कोड का वो यहाँ पर हमारे पास uh, यहाँ पर इस इस फाइल में आएगा सही है uh, उसको हम यहाँ पर uh, अलग कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन का जितना भी कोड है सही uh, हम यहाँ पर आते हैं एक और सर्विस हमने यहाँ पर बनाई है एक और डेटा बेस सर्विसेज के नाम से सही आ, तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ है गे, गेट गेट अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड सही बट इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ इसको जस्ट में सही और यहाँ पर इसका इसी डेटा बेस सर्विसेज का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फाइनल डीबी सर्विस के नाम से फायर सॉरी इसको मैं कर देता हूं डेटा बेस ओके सो उसी ये ये सेम सर्विसक्टली डेटा बेस सर्विसेज के का, का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर सर्विसेज में बना दिया है सही और इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर यूज करूंगा <coughs> अच्छा सो एक तरीकाकार तो इसका ये है कि मैं डायरेक्टली जो डाटा मैंने अपलोड कर देना है यहाँ पर अब ये क्रिएट अकाउंट है ना सो तो यहाँ पर जब ये यूज़र uh, का अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो जाए सही है लॉग सक्सेस हो गया है मतलब क्रिएट अकाउंट सक्सेस सही तो जब सक्सेसफुली यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाए सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टोर यूजर अकाउंट

उड फायर स्टोर सो दिस क्लाउड फायर स्टोर अब कर, करना यह है यहाँ पर हमारे हम इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर देते हैं और यह सेटअप तो कल मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपने लग इन कैसे इंस्टॉल करना है सो तो इसको भी हम यहाँ पर एड कर देते हैं अच्छा आपने कोशिश करनी है कि ये सबकी सेम हो सही है तो फर्स्ट वाला है वरना ये फिर काम नहीं करेगा आपको एरअ देगा ओके सो राइट नाउ ये क्रिएट अकाउंट के उसमें है हम सेक्शन में है सही अच्छा सो ओके सो इज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं यहां पर अब एक तरीका तो ये है कि ये जो डेटा मैंने स्टोर करना है एक क्रिएट अकाउंट के बाद जब ऑथेंटिकेशन हो जाए ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए मतलब उसका उसका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो उसका हमने डेटा स्टोर करना है तो एक तरीका तो ये कि डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या करूं मैं यहां पे फायर स्टोर का जो वो डेटा बेस है फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस सही है और डॉट कलेक्शन uh, uh, सही है मतलब जितना भी उसका डेटा स्टोर हमने करना है सही है वो यहां से मैं कर दू डॉट ए डेटा स्टोर कर दू एक तरीका तो ये कि ये डेटा मैं सारा यहाँ से स्टोर कर दू सही है बट एक्चुअली पर जितने भी का काम है सही है डेटा डे, भी कम्युनिकेशन है वो हमने सेपरेट करना है किस में यहाँ पर डेटा बेस फाइल में हमने सेपरेट कर देना है उसको सही है इसको हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न का बोलते हैं कि आपने आप एक स्पेसिफिक काम है सो तो वो एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर वो सारा कुछ करें मतलब एक स्पेसिफिक क्लास को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि आपने ये स्पेसिफिक काम करना है सही है मतलब जितने भी डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं उसको आपने आपस में नहीं करना है। सही है उससे आपका जो कोड क्वालिटी है वो काफी डाउन हो जाती है कि आप जो है ना सेम मतलब डिफरेंट फंक्शनलिटीज को जो है ना वो आपस में मिक्स कर देते हैं मतलब एक ही फाइल के अंदर आप जो है ना वो डेटाबेस डेटा भी उठा रहे हैं वहां पर ऑथेंटिकेशन भी कर रहे हैं सारा कुछ वहीं पे कर रहे हैं सही है इसका मसला फिर ये होता है जब आप बाद में आप अपने कोड को जो है ना वो चेंज करते हैं या अपने कोड को मेंटेन करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें अगर आप देख लें तो आ, आ, हम डेवलपमेंट जो है ना मतलब जो हम कोड लिखते हैं वो काफी कम लिखते हैं लेट सपोज हम ट्वेंटी परसेंट जो है ना हम ये जो सेवेंटी टू एटी परसेंट है उसको हम कोड uh, को हम रीड uh, 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 करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं सही है सो so, अगर आपका कोड आपस में जो है ना मिक्सड अप है स्पेगेटी कोड उसको बोलते हैं कि अगर आपका कोड स्पेगेटी है मतलब इन एक एक दूसरे के अंदर जा रही है दूसरी फंक्शनलिटी जो है ना आपने दूसरे फंक्शन के अंदर डाल दिया है एंड सारा कुछ आपस में मिक्सड अप होगा सो so, आपका कोड जो है ना स्पेगेटी कोड बन जाएगा उसको फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है आप एक चीज चेंज करते हैं तो वहां पर जो है ना दो तीन चीजें साथ में और ओवर इफेक्ट हो जाती है सही है सो दैट्स वाई

इसको मैं कर देता हूं फायर स्टोर ओके सो उसको मैंने नाम कर दिया है फायर फायर कौन अच्छा यहां पर फायर स्टोर फर्स्ट क्लाउड uh, फायर uh, तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है फायर बेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस

तो अगर आपने वो स्टार्ट में किया है तो आप ये यूज कर सकते हैं अगर आपने वो इंटीग्रेशन नहीं करनी है, की, आप यहां पे कर सकते हैं। सही है अच्छा अब हम फायर स्टोर किस तरह यूज कर सकते हैं क्रिएट uh, अकाउंट है एक तो आपने ये करना है कि आपने ट्राई कैच यूज करना है काफी ज्यादा सही है इसमें आपके पास एक्सेप्शन आ सकते हैं सो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आ, आ, आपने टूज कर देना है parent e, ताकि आपका जो है ना कोट आ, आ, ब्रेक ना हो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो सही है हमारे पास कोई exception आ भी रही है ताकि उसको हम आ, कर सके सही अच्छा ट्राई कैच में हमने अब करना क्या है फायर स्टोर डॉट कलेक्शन अब यहाँ पर फायर स्टोर है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन है सही है यहाँ पर हमने कलेक्शन की बात की थी ये हमारे पास अब कलेक्शन है अगर हमने अभी डेटा स्टोर करना है यूजर्स के कलेक्शन में सो आपने यहाँ पर इस कलेक्शन डॉट यूजर्स यूजर्स का टेबल है सही है अब यूजर के टेबल मैंने क्या स्टोर करना है डॉट एड अच्छा अब यूजर का जो आ, सो यहाँ पर आपने अभी यहाँ पर इसका अगर टाइप देख ले हम तो ये कौन सा टाइप ले रहा है मैप मैप स्ट्रिंग एंड डायनेमिक मतलब ये वही हमारे पास जेस फॉर्मेट में वैल्यूज लेगा सही है ये हमसे वैल्यूज किस फॉर्मेट में फॉर्मेट में सही सो जेस फॉर्मेट में कल डिस्कस कर चुका हूँ इसको मैंने जेस वन फॉर्मेट में वैल्यूज देना है सही है इसको मैं फर्स्ट जो वैल्यूज दूंगा वो कौन कौन से है आ, जरूरी नहीं कि आप ये वाली ये ये वाली वैल्यूज उसको ना आप कोई और की एंड वैल्यू पेयर भी दे सकते हैं बट हमने इसको कंसिस्टेंट ही रखना है क्योंकि हमें पता है कि यही सेम वैल्यूज मैंने दोबारा से एक्सेस भी करनी है सो दैट्स वाई ये की और वैल्यू आपके साथ सेम होनी चाहिए अच्छा सो so, जब मैं यू यूजर का अकाउंट क्रिएट करता हूँ सो so मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा स्टूडेंट एंड स्टूडेंट सही है स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर पास कर, पास कर दूंगा एंड uh, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या है वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर फॉर्मेट में इसको दे देनी है फर्स्ट uh, हमारे पास है uh, चले इसी को यूज करते हैं uh, हमारे पास यहाँ पर है ई मेल सो ये हमारे पास ई है एंड उसमें हम दे, दे देते हैं स्टूडेंट Dot email अच्छा फिर हमारे पास है यहां पर फादर नेम स्टूडेंट डॉट फादर नेम अच्छा अभी मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं न, इसको इसको हम और इसको हमने और भी ऑप्टिमाइज करना है सही है अभी आपको मैं बताऊंगा आप कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट डॉट फुल नेम एंड फोन है student dot phone number. सही. So अच्छा अभी हमने करना क्या है कि यहाँ पर ये क्रिएट अकाउंट का फंक्शन तो मैंने बना दिया है ये क्या कर रहा है फायर स्टोर डॉट कलेक्शन यूजर्स के कलेक्शन में जाके ये एक आ, आ, नया अकाउंट क्रिएट कर रहा है एक नया आ, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है जिसमें हमारे पास ईमेल ये ये वैल्यूज होगी उसमें सही है और उसको हम स्टूडेंट का डाटा पास कर रहे हैं अच्छा अभी हम आते हैं यहाँ पर दोबारा से रजिस्टर आ, रजिस्टर अकाउंट पे नहीं सर्विसेज में सही है हमने यहाँ पर क्या करना था वीर इज क्रिएट अकाउंट सो जब यूजर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है स्टोर यूजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन सही है सो so, उसके लिए मैंने क्या यूज करना है डेटा बेस्ट सर्विस डी बी सर्विस डॉट क्रिएट अकाउंट और उसको मैं क्या पास कर दूंगा यही यहाँ पर मेरे पास जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आया हुआ है ये वही उसको मैं पास कर रहा हूँ सही इसको पास करते हैं यहाँ पे हम अवेट लगाते हैं क्योंकि ये इसमें टाइम लगेगा ये है फायर बेस्ड और स्टूडेंट कलेक्शन अब ये हमारे पास की क्या है इसको भी हम अवेट करते हैं क्योंकि ये इसका जो हमारे पास ये देखेंगे हमें फ्यूचर में रिटर्न दे रहा सही है सो ये कुछ टाइम और उसको हम आ, 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 सो इसको भी हम ए बना देते हैं अच्छा So, ये फंक्शन नेक्स्ट पे उस उस टाइम तक जब नहीं जाएगा उस उस टाइम तक को कोई रिटर्न नहीं करेगा जब तक ये प्रॉपरली ये जो डेटा uh, अच्छा, <coughs> so, uh, में डेटा एड ना करे अच्छा सो फायर स्टोर उसमें यूजर्स कलेक्शन ओके सो ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई है बीबी सर्विस डॉट क्रिएट अकाउंट ओके अच्छा अब हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम रीस्टार्ट करते हैं एंड दोबारा से अब हम देखते हैं कि हमारा ऐप कैसे काम कर रहा है सो आई हैव रन ऑलरेडी द एप्लीकेशन आई डोंट नो व्हाई इट स्टॉप्ड सो आई होप सो कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है uh, कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं uh, यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर स्क्रीन uh, है रजिस्टर यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट डाटा था उसको हम पास कर रहे हैं uh, में सही है अब ऑथ सर्विस में तो वो एक uh, uh, जो ऑथेंटिकेशन सेटअप uh, है हैथिकेशन का जो ऑथेंटिकेशन का जो सर्विस है उसमें हमारे हमारे लिए अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर देगा बट जो बाकी यूजर का जो बाकी डेटा है उसका क्या बनेगा फुल नेम ये जितना भी डेटा है इसका क्या बनेगा सो so, उसको हमने फायर स्टोर में किसी लोकेशन पे जाके उसको सेव करना है सो so, उसके लिए हमने एक कलेक्शन बनाई है यूजर्स के नाम से स की कलेक्शन बनाई है और इसमें हम यूजर का डाटा स्टोर करेंगे अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट की आई जनरेटेड है, है ये यूनिक होती है बट राइट नाउ जब आप एड करते हैं ना सो ये हमारे पास ऑटो जनरेटेड आती है uh, अब इसको हम हमने कुछ देर बाद जो है ना इसको अभी हमने स्पेसिफाई भी करना है कि ये ऑटो जनरेटेड ना हो इसको हम एक uh, इसको हम अपना अपनी आईडी भी दे सकते हैं स्पेसिफिक आईडी डी रन ओके सो जब तक ये रन होता है सो so, हम थोड़ी सी डिस्कशन और कर देते हैं सही है so, सो uh, जो डेटाबेस का डेटाबेस बेस में जो डेटा जो सेंड या अपलोड करना या डाउनलोड करना जितने भी सेटअप है उसको हमने

बनाना है या लेट सपोज ये अपडेट अकाउंट है ना सो अपडेट अकाउंट में मैंने दोबारा से डेटा देना है लेट सपोज सही है सो so मुझे दोबारा से वहां पर टाइप करना पड़ेगा कि यार डॉट कलेक्शन लेट सपोज यूजर्स है सही है और यूजर्स के डॉक्यूमेंट में जाके मैंने डॉट ओके okay,

तो इसको यहाँ पर बनाना काफी एक हेक्टिक प्रोसेस भी है सही है और दूसरा ये है कि इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सही है सो इन ऑफ कि हम यहाँ पर आ, ये जो हम काम कर रहे हैं ये जो जेसॉन का ऑब्जेक्ट है ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर ये सारा काम जो है ना इसी ये जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ना ये सारा काम हम यहीं पे डाल दें सही है हम यहाँ पर क्या कर दें यहाँ पर हम एक फंक्शन बना दें टू जेसॉन का फंक्शन टू जेसॉन जो क्या करेगा जो ये जेसॉन का ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है इसको किस में कन्वर्ट करेगा जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न कर देगा सही है ये मुझे क्या रिटर्न करेगा सो दिस दिसमेल ईमेल था फुल नेम फुल नेम एंड Father name, father name, and then email and phone. Okay, so what's the exception? Acha. <clears throat> चलें शुक्र है एक और मसला भी यहाँ पर आ गया है ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि यह मसला क्या है अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर इन आ सही? हमारे पास जो बिल्ड जनरेट होता है उसमें नंबर ऑफ क्लासेज एक खास लिमिट होता है उसमें हमारे पास एक टाइप ऑफ फाइल जनरेट होती है उसकी खास लिमिट है उसकी लिमिट क्या है सिक्स थाउजेंड सॉरी

सो so, ये हमारे पास एक सिंगल डेक्स फाइल में नहीं आ सकते हैं सही है सो so, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा और ये स्पेसिफिकली एंड्राइड का इशू है सो so, इस हम क्या करते हैं मल्टी डेक्स ऐड करते हैं अपने उसमें अपने एंड्राइड uh, में सही है इनेबल मल्टी डेक्स इन एंड्राइड सही है आप जस्ट ये लिख लें आपके पास ये आ जाएगा 64 के लिमिट होता है उसमें और मेथड uh, स्कोर सही है So, आपके पास टॉप पर ही ये आ जाता है एंड देन आपने यहाँ पर आना है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है ये इंप्लीमेंटेशन है इसको आप कॉपी करें यहां से मल्टीरेक्स uh, आपने ये कॉपी uh, करना है यहाँ से यहाँ पर आकर एंड्रॉइड के फोल्डर में ऐप सोर्स और ये मोस्टली होता है जब आप फायर स्टोर मतलब ऐड करते हैं क्योंकि फायर स्टोर में जो क्लासेस हैं उसमें नंबर ऑफ मेथड्स काफी ज्यादा होता है सही? सो तो उसकी वजह से ये मसला आता है। आ, अच्छा ऐप के अंदर सॉरी मैं काफ़ी आगे चला गया इन so द uh, में dependencies में हमने वो dependencies कर देनी है सही? इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पर आ, आ, ये जो है यहाँ पर हमने क्या ऐड कर देना है uh, enable multi सही? ये आपको बता रहा है कि हमने डिफॉल्टन के अंदर मल्टीडेक्स इनेबल को आप ट्रू कर दें सो दिस इज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसमें मल्टीटेक्स को हमने ट्रू कर दिया है एंड देन आप दोबारा से रीस्टार्ट करें अब ये जो करंट इशू आया है ये मेथड्स लिमिट का सो so ये इशू इससे रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पर आपको मल्टीडेक्स को इनेबल करना होता है ओके, okay. so, पर हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया है टू जेसॉन के नाम से जो कि हमें हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको हमें जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा सही है इसका जस्ट यही एक सिंपल सा काम होगा इस फंक्शन का और वो ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आपके पास जो डेटा मॉडल्स हैं उन सब में आपने कोशिश करनी है कि आपने ये टू जेसॉन का फंक्शन डाल देना है सही है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि हमारे पास अगर एक ऐसे टाइम हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास सपोज प्लस प्रॉपर्टीज होती हैं सो so, अगर आप अगर आपके पास प्लस प्रॉपर्टीज हैं तो उसके लिए क्या करना है लेट सपोज आपने वही सेम uh, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दो तीन तीन फंक्शन के अंदर यूज करना है सही है सो so, आपने ट्वेंटी टाइम्स जो है ना ये इतने सारे ये जो uh, जैसा ऑब्जेक्ट है ये आपको ट्वेंटी टाइम्स तीन बार जो है ना दोबारा दोबारा से बनाना पड़ेगा सही है अब ये शॉर्टकट मेथड है शॉर्टकट तो नहीं है बेहतर मेथड है जो टू टू जैसा उनका अब इसको प्रैक्टिकली भी यूज करेंगे तो अभी समझ आ जाएगी ये कहाँ पर है ओके अच्छा वो यहाँ पर वो सीमी कॉलम उस टाइम नहीं दे था तो उसकी वजह से सो <coughs> अच्छा तो एक एक तरीकेकार हमारे पास ये था कि डायरेक्टली हम यहाँ पर जेसवान ऐड करते हैं सही है ये प्रॉपरली मैंने जेसॉन ऐड कर दिया है अब जब मैंने उसमें स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जेसान का मैंने टू जेस का फंक्शन डाल दिया है तो अब मैं क्या करूंगी यहां पर स्टूडेंट डॉट टू जेस कर दें तो वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है सॉरी यहां पर मैंने टू स्ट्रिंग एड कर दी है टू जेसॉन सही है सो so, ये टू जैसा क्या करेगा ये आपको यही जैसा उनका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप यहां पर प्रॉपर जेसान का ऑब्जेक्ट प्रॉपर लेके ये जो स्टूडेंट डॉट टू जैसा फंक्शन है इसको आप यूज कर सकते हैं सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन जस्ट फॉलो अलॉन्ग अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं

मैं जब इसको लॉग इन करता हूँ सो लॉग इन होने में थोड़ा तो टाइम लगता है जब लॉग इन करते हैं ओके सो ये देखें वो लॉग इन तो हुआ है बट लॉग इन होने में उसको टाइम लगा है सो वी आर थिंकिंग लाइक के आ, आ, पता नहीं ये यूजर लॉग इन हुआ है या नहीं हुआ सही है अच्छा वो उसने काफी ज्यादा बार में प्रेस कर दिया है सही है सो so, यहाँ पर यूजर को अंदाजा नहीं होता कि यार जो बटन मैंने प्रेस किया है बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ तो मतलब यूजर यहाँ पे स्टॉल हो जाता है सही है सो so, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम हम क्या करते हैं एक मिनट ये दो एप्लीकेशन दोबारा से लॉन्च हो जाए सो देन इनको डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वापस आते हैं अपना जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो टेस्ट करते हैं यूजर अकाउंट क्रिएशन का सही है मेरे पास यूजर्स का कलेक्शन है यहाँ पर अब मैं यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ सही है गुलमर सही है सो so, उसका मैं फोन नंबर ऐड कर देता हूँ जस्ट रैंडम अच्छा अब यहाँ पर जो मैं रजिस्टर प्रेस करूंगा सो ये प्रोसेस इंटरनली स्टार्ट हो गया है बट यहाँ पर आ, आ, मैंने यहाँ पर अवेट नहीं लगाया था सो देट आ, इसको टाइम लगा है अच्छा अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया है ओके okay, तो इसको दोबारा टेस्ट करते हैं सही है आ, इसको चेंज करते हैं कोई और नाम यहाँ पर ऐड करते हैं इसको चौन वन कर देते हैं एंड पासवर्ड हमारे पास सेम रहे सही है ओके okay. अब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर असल में मैंने अवेट नहीं लगाया सो डायरेक्टली उसकी नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया है हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो नया यूजर अकाउंट हमने क्रिएट किया है नया यूजर अकाउंट हमारे पास क्रिएट हुआ है या नहीं <coughs> यहाँ पर हमारे पास ना यूजर का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ ओके जस्ट मी मिनट्स अच्छा सो so, यहाँ पर हमारे पास यूजर का अकाउंट राइट नाउ क्रिएट नहीं हुआ चलिए हम उसको डिबक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं सो so, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अवेट लगाते हैं uh, कि यहाँ पर हमारे पास जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए सो तो मैं यहाँ पर पता ओके ओके सो दिस इज अवेट क्रिएट अकाउंट एंड यहाँ पर हमारे पास एफ यूजर डॉट नल यूजर नलट फाउंड रॉन्ग पासवर्ड ये कौन सा फंक्शन है क्रिएट अकाउंट का फंक्शन है सो so, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा ओके okay. इसको ज़रा डिबग करते हैं प्रॉपर्ली यहाँ पर हम देखते हैं फाइनल स्टेटस सही है और यहाँ पर हमने एवेट लगाया हुआ है स्टेटस है एंड देन ये जो जितना सेटअप है इसको हम करते हैं एशो स्टेटस अगर स्टेटस ट्रू होगा देन हमने जाना है नेक्स्ट स्क्रीन पे सही है एल्स हमने क्या करना है हम एक अलर्ट डायलॉग शो करते हैं सही है सो अलर्ट डायलॉग शो करने के लिए शो डायलॉग का एक फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हैं सही है शो डायलॉग शो डायलॉग यहाँ पर आप कॉन्टेक्स देंगे एंड यहां पर हम अलर्ट डायलॉग का एक uh, हमारे पास एक पिजिट अवेलेबल है एक बिल्डर अच्छा उन्होंने अपना जो सेंटेक्स है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है सो देट्स वाई अच्छा बिल्डर एंड बिल्डर में आपने कॉन्टेक्ट देना है आगे यहां पर आप अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं सही है अलर्ट डायलॉग ब्लड डायलॉग के अंदर हमारे पास काफी सारे आ, आ, आर्गुमेंट्स होते हैं सही है उसमें हमारे पास टाइटल है सो टाइटल हमारे पास एक विजिट होता है सो उसको हम टेक्स्ट देते हैं इसको हम बोलते हैं क्रिएट अकाउंट ये इसको बोलते हैं और हमारे पास जो यहां पर एक टाइटल है एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंटेंट कंटेंट है एंड कंटेंट में भी हम टेक्स्ट देते हैं सही है क्रिएट अकाउंट ताकि हमें पता चले कि हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ सही है सो so, <coughs> यहाँ पर हम राइट right नाउ क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम क्रिएट uh, अकाउंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहां से डेटाबेस सर्विसेज के अंदर जो है सही है डेटाबेस सर्विस के अंदर क्या हो रहा है सॉरी डेटाबेस सर्विस के नहीं ऑथ सर्विसेज के अंदर सही है uh, वो क्रिएट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड और uh, जब हमारे पास यहां पर uh, ये क्रिएट हो जाए अगर फेल हो जाए होगा अगर हमारे पास यहां पे अकाउंट क्रिएशन फेल होगा सो देन हमारे पास ये फंक्शन कॉल नहीं होगा सही है एंड uh, देन यहां से हम क्या रिटर्न करते हैं यहां से हम रिटर्न करते हैं फेल फाल्स रिटर्न करते हैं यहां से सही है कि जब हमारे पास अकाउंट क्रिएशन फॉल्स हो जाए फेल हो जाए सो हम यहां से रिटर्न कर दें और ये तो आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि आप आ, जो एरर कोड है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट किस वजह से फेल हुआ है सही आ, चलें इसको थोड़ा तो 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 और ऑप्टिमाइज करते हैं इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आ, सो अगर वो फेल हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस में फेल आएगा सही है अगर स्टेटस ट्रू हुआ अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट हुआ सो देन वील वील गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग शो होगा सही है uh, सही uh, इसको रीरन करते हैं दोबारा से हार्ट uh, रीस्टार्ट करते हैं ये हार्ट रीलोड करते हैं चलें अच्छा यहाँ पर दोबारा से मैं वैल्यूज देता हूँ uh, uh, चलें इसको कर देते हैं Faris at पासवर्ड हम ये पासवर्ड दे देते हैं सही है अब जब इस बटन पे क्लिक करता हूँ सो so वहाँ पर अभी मेरे पास या राइट नाउ अवेट का प्रोसेस चल रहा है सही है अवेट कर रहा है अब ये देखें ये इतना सारा टाइम इसने वेट किया है सही है बट यहाँ पर हमें स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सो so यहां पर हमें क्या चाहिए राइट नाउ यहाँ पर हमें एक प्रोग्रेस बार चाहिए कि जब मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो वहां पे मुझे प्रोग्रेस बार शो करें कि यार आपने जो रिक्वेस्ट की है उस पर काम चल रहा है सही है ताकि यूजर स्टाल ना हो उसको ये ना लगे कि मैंने पता नहीं ये जो रजिस्टर का बटन बटन जब मैंने क्लिक किया है पता नहीं कोई प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ सही है सो तो यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन है यहां पर मैं क्या करता हूँ फाइनल एज प्रोग्रेस यहां पर मैं करता हूँ एज शो प्रोग्रेस फाइनल नहीं बल्कि इसको हम बूल करते हैं क्योंकि इसको बार बार हमें करना पड़ेगा आ, बूल एज शो यहाँ पे करता हूँ शो प्रोग्रेस इसको मैं इनिशियली फॉल्स कर देता हूँ सही है सो so, ये फ्लैग है इसको मैंने इनिशियली फॉल्स कर दी है सही एंड uh, यहाँ पर मेरे पास स्केफल्ड है सो so स्केफल्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये यह बॉडी है सही सो so, पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं एक चेक लगाता हूँ सही है uh, जब हमारे पास शो प्रोग्रेस अगर ट्रू है सही है सो so, पर ये जो बॉडी है उसके बजाय मैं यहाँ पे क्या शो करूं? सर्कुलर प्रोग्रेस बार शो करू सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सही अदरवाइज ये हमारे पास जस्ट वो ट्रू एंड फॉल्स वो है जस्ट हमारे पास ये चेक्स हैं अगर हमारे पास शो प्रोग्रेस ट्रू होगा सो देन हमें एक हो सही है? Otherwise है ये। uh, yeah. जब इस बटन पे क्लिक होगा सही ऑन प्रेस सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नहीं बल्कि यहां पर जब वैलिडेशन प्रॉपर हो जाए सही है? सेट स्टेट

हॉट रिस्टार्ट किया है मैंने दोबारा से अभी मैं इसको इसको वन कर देता हूँ इसको भी वन करते हैं को भी भी थोड़ा चेंज चेंज कर हैं। भी चेंज कर हैं। कर है ईमेल आर एस वन दिया मैंने सही है अब मैं जिस बटन पर क्लिक करूंगा ये देखे अब ये मुझे प्रोग्रेस बार नजर आ रहा है बट प्रोग्रेस बार जहाँ पे नजर आना चाहिए वहां पे नजर नहीं बिल्कुल कॉर्नर पे नजर आ रहा है सही है सो so, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर जो तो प्रोग्रेस बार था इसको मैं एक सेंटर विजिट के अंदर डाल देता हूँ ताकि मुझे सेंटर में नजर आए सेंटर चाइल्ड एंड यहां पर मैं ये प्रोग्रेस बार डाल सही आ, इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं आ, अभी देखते हैं हमारा अभी ये अभी हमारा जो सेटअप होगा वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा तो so, यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया है कि हमने प्रोग्रेस बार कैसे शो करना है और उसको तो डायनेमिकली कैसे रखना है आ, यहाँ पर नेम आएगा चलें इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ टेस्ट यहाँ पे मैं कोई टेस्ट वन एट जी मेल डॉट अब ये देखें बिल्कुल वो ये देखें क्रिएट अकाउंट फेल अब क्रिएट अकाउंट क्यों फेल हुआ है ये हमें नहीं पता सही है अब इसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये मैं नहीं करता ये आपको एज टास्क दे देता हूँ कि जब यहाँ पर अभी जब यहाँ से हमें फॉल्स रिटर्न होता है सो आ, आ, मतलब हमने वहाँ पर शो किया है कि आप हमारा जो अकाउंट है वो फेल हुआ है कि अकाउंट क्रिएशन फेल हो गई है सही है सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जब ये फॉल ये जब आ, आ, ये एक्सेप्शन कैच करेगा सो यहाँ से आप जो आपके पास जो एरर मैसेज है वो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो जो फेल हुआ है वो किस वजह से हुआ है चले एनी हाउ ये मैं कर लेता हूं आप लोगों के लिए सो so, देन हमें यहां से जस्ट इसको फिर हमें यहाँ पे मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी लॉग इन क्लास मैं बनाता हूं लॉग इन लॉग इन रेस्पॉन्स के लॉगिन का रिस्पांस क्या है ये चलो इसको मैं कर देता हूं ऑथ रिस्पांस मतलब ऑथेंटिकेशन का हमारे पास रिस्पांस क्या है ऑथ रिस्पांस और इसमें दो चीजें होगी सही है आ, इसमें एक बुल होगा सक्सेस का सही है एंड दूसरा होगा मैसेज सही इसमें ये दो वैल्यूज होंगी सही है सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिटर्निंग ट्रू मैं क्या करता हूं यहां से आ, यहां से मैं रिटर्न करूंगा मैं यहां से आत रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूं सही है आत रिस्पॉन्स यहां पर इसका हम आ, इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं आत रिस्पॉन्स एंड इसमें हम डाल लेते हैं दिस डॉट सक्सेस एंड दिस डॉट मैसेज सही सो so, यहाँ से जस्ट uh, मैं ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न नहीं करता क्योंकि यहाँ पर हमें ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा फिर सपोज ये ट्रू हुआ है सो so ये तो सही चलो हमारा जो लॉग था वो क्रिएट अकाउंट का जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल था बट ये फॉल्स हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा सही है uh, अब ये वैल्यूज यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं कर सकता या यहाँ से मैं

So, जहां से लॉग कॉल होता है सो so लॉग में हमारे पास ये इसको मैं कर देता हूं फाइनल रिस्पॉन्स सही है सर्विस नहीं. डॉट सक्सेस. अगर उसका सक्सेस ट्रू होगा सो so आपके पास जो है ना यहां पर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे सही है अगर वो ट्रू ना हुआ सो so आपके पास यहाँ पर एक मैसेज भी आएगा सही है आर्थ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस एंड देन अगर ये हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आया यूजर नट फाउंड रॉन्ग पासवर्ड सही है तो so यहाँ पर ये जो मैसेज है ये भी हम रिटर्न कर देंगे सही है तो so यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे आर्थ रिस्पॉन्स और सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स क्योंकि इसमें सक्सेस सक्सेसफुल नहीं हुआ है एंड जो मैसेज है

Uh, मैं ना बताता हूँ सही अब इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली वहीं से रिटर्न uh, कर रहे हैं वैल्यूज और भी यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे कोड्स हैं अब uh, अब ये सारे कोड्स अगर आप यहाँ पे स्विच एंड केस में यूज करना चाहें तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly आप इसको यूज कर सकते हैं आ, uh, सही है या चलें इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं <laughs> अब आप लोग भी कहेंगे पता नहीं कितनी ऑप्टिमाइजेशन पर जा रही है बट एनी हाउ राइट नाउ एंटल नाउ ये यहाँ तक कर सकते हैं बाकी जो एरर कोड्स हैं वो आप खुद हैंडल जस्ट आपको यहाँ पर कुछ आइडिया देना था मेरा मकसद एंड uh, यहाँ पर सेम हम क्या करते हैं आत रिस्पॉन्स क्रिएट अकाउंट में भी हम सेम एग्जैक्टली exactly यही कर लेते हैं सही है आत रिस्पॉन्स है सो आत रिस्पॉन्स में हमारे पास सक्सेस क्या है यहाँ पर इस केस में ट्रू है मतलब सक्सेसफुली लॉग इन हुआ है एंड uh, यहाँ पे जो रिटर्न uh, है उसको भी हम कर देते हैं फ्यूचर एंड यहाँ पर फ्यूचर एंड पर भी हमने देना है रिस्पॉन्स सही है सो इंस्टेड ऑफ दिस हम डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करें हम पूरा एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं यहां से सही सो दिस इज क्रिएट अकाउंट यूजर नॉट फाउंड सही है? चले इसको हम क्या कर देते हैं ओके एंड यहां पर मैसेज देते हैं मैसेज हमारे पास और भी बहुत सारे यहाँ पर है इनवैलिड ईमेल है वीक पासवर्ड है एक क्रिएट के अकाउंट केस में ना सो so, एक हम ये उठाते हैं वीक पासवर्ड सही है तो यहाँ पर मैसेज क्या होगा क्रिएट अकाउंट फेल ड्यू टू वीक पासवर्ड सही है तो हम यहाँ पर यह मैसेज भी रिटर्न कर रहे हैं साथ में अब इसको हम लेते हैं यहां से यहां पे भी करते हैं इसको सही है मैं एक और एक एरर कोड मैं, मैं और उठा लेता हूँ इन वैलिड ई ईमेल का मैं यहां से इन वैलिड ई मेल और यहाँ पर इन वैलिड सही सो क्रिएट अकाउंट अकाउंट के प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट जो है ना एरर कोड चेक करते हैं कि एरर कोड क्या था एंड देन उसी के लिहाज से हम यहां से

और यहाँ पर वो जो मैसेज था ना आठ रिस्पांस का वो मैसेज हमने यहाँ पे शो कर देना है सही है आठ रिस्पांस डॉट मैसेज अभी आपको मैं यहाँ पे एक एरर जनरेट करके देता हूँ सो अभी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा रीस्टार्ट uh, करते हैं अपने एप्लीकेशन को ओके सो दिस इज़ दिस इज़ दिस इज़ द यहाँ पर मैं एक इन वैलिड देता हूँ सही है ये अब ईमेल है ना बट, बट ये अब इन वैलिड है कुछ एट और जी मेल डॉट कॉम वगैरह नहीं डाला अभी यहाँ पे से यहाँ पे अब देखते हैं कि ये क्या है बटन I don't know, ये successful हुआ है क्यों हुआ ओके <laughs> okay, यहाँ पर हमारे पास राइट नाउ डेटा कुछ नहीं आ रहा ओके okay, दोबारा करते हैं इसको टेस्ट नया ऑब्जेक्ट ये ई ईमेल है एंड पासवर्ड वन टू थ्री इट गोइंग अहेड एक मिनट शायद हम यहां से डायरेक्टली वे भी रिटर्न कर रहे हैं रजिस्टर स्क्रीन एंड देन ऑट सर्विस क्रिएट अकाउंट ओके यहां से थ्रू ओके सॉरी यहाँ से अब ये यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो रहा है सो दैट्स व्हाय गलती हमारी है रिस्टार्ट uh, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं दोबारा से चेक करते हैं अभी यहाँ पर ये यह सारा कुछ चेंटअप ठीक हो जाएगा ओके okay, अभी जब मैं रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ ना यहां तो पे मुझे एरर मैसेज आएगा व्हाई वायल्प ओके रजिस्टर बटन प्रेस्ड इग्नोरिंग व्हाट ओके स्टूडेंट स्टूडेंट

okay uh, and this is successful account created यहाँ पे कुछ मैसेज लगाते हैं ना फिर देखते हैं कि मसला कहां पर है प्रिंट एक्सेप्शन uh, को यहाँ पर प्रिंट करते हैं सही है एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट करते हैं यहाँ पर एंड देन अभी देखते हैं कि क्या बनता है इसका ट्री रीस्टार्ट। एक्चुअली हमारा कोड ही अपडेट नहीं हुआ ओके okay. एक्चुअली हमारा कोड यहाँ पर अपडेट ही नहीं हुआ सो दैट्स वाई दैट्स द रीज़न सही है सो uh, so उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम दोबारा से फ्लटर uh, क्लीन करते हैं असल में यहाँ पर बस टाइम इस तरह होता है कि आप कोड लिखते हैं आपका कोड वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा था आपका जो पुराना बिल्ड जनरेट हुआ है वहीं से हम दोबारा से री इंस्टॉल होता है तो so उसके लिए हमें क्या करना होगा फर्स्ट फ्लटर क्लीन करते हैं कि हमारे पुराने जो बिल्ड जनरेट हुए हैं ऑटोमेटिकली uh, वो हमारे पास डिलीट हो जाए हम नय, नया बिल्ड जनरेट करते हैं यहाँ से सो डिलीटेड बिल्ड्स अब दोबारा से री स्टार्ट करता है इसको यहां से भी एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं Okay, so here R okay, so this is the register button. Text register. Let's go answer your यहाँ पे रजिस्टर का सेक्शन हो गया है फॉर्म की डॉट कनेक्टेड डॉट वैलिडेट एंड देन प्रोग्रेस एंड देन क्रिएट अकाउंट विथ स्टूडेंट सो व्हाट विल से फंक्शन हैज रिटर्न टाइप ऑफ़ फीचर बट डज़न रिटर्न विद अ रिटर्न स्टेटमेंट ओके okay, सब जब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट होगा एंड देन क्रेडेंशियल्स विल कम ओवर हियर यहाँ पर हम जरा चेक करते हैं कि अथेंटिकेशन में हमारे पास अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए अगर वहाँ पर अकाउंट क्रिएट हुए हैं सो देन इशू इज समवेयर एल्स यहाँ पर हमारे पास सारे अकाउंट्स जो हमने बनाए थे वो तो क्रिएट हो चुके हैं सही है आ, अच्छा जब तक वो रन होता है सो हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं सही है सो लेट सपोजिए आपके पास एक यूजर अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं इसको आप अपने चेंज करना है या इसको अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं सही उसका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं उसके अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं सही है सो लेट सपोज आपका एक आपके एक यूजर है जो कि आपके पास रिपोर्ट हो जाए और आप चाहते हैं कि यार उस यूजर को आप लॉग इन उस यूजर का जो अकाउंट था उसको आप डिलीट कर रहे सही है सो आप सिंपली यहाँ पर आकर यहाँ से उसका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं सही है सो so अब ये यहाँ से अगर मैं अकाउंट डिलीट करूँगा सो टेस्ट वन डॉट टेस्ट वन एट जी मेल डॉट डिलीट हो जाएगा यहाँ से सही है सो दैट हैज़ बिन डिलीटेड इसी तरह जो है ना हम ये दूसरे अकाउंट्स भी डिलीट कर सकते हैं सही है बट इसको राइट नाउ और हीयर यहाँ से वन बाई वन डिलीट करना पड़ेगा

Uh, उसी इशू को हम uh, देखते हैं सही है uh, गलती हमारी है यहाँ पर हमने एक मसला किया है सो so दैट्स uh, आज सर्विस में हम जस्ट ये दो चेक कर रहे हैं सही है uh, ये दो तो हम चेक कर रहे हैं uh, ये दो ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं सही है बट यहाँ पर देख लें ई मेल इन वेलिड ई मेल है सही है बेडली Bad, फॉर्मेटेड है सही है इन वेलिड ई मेल सो इन वेलिड ई मेल पे तो ये हमें ये एक्सेप्शन फॉर्मेट देना चाहिए इनवैलिड ईमेल इनवैलिड ईमेल एरर कोड इज इनवैलिड बट हमें ये एरर रिटर्न नहीं कर रहा चले हम एक और ट्राई करते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन है यहाँ पर हम ईमेल टिक देते हैं एट जी मेल एंड पासवोट वन टू थ्री इसमें मैक्मम मिनिमम लिमिट जो है ना यहाँ पर हमारे पास सिक्स करेक्टर का होता है फायर बेस में ये अब देख लें आपके पास पासवोर्ट का तो बता रहा है कि सिक्स करेक्टर सो ये तो हमने यहाँ पर एड किया हुआ है यहाँ से हम जो पासपोर्ट का सेक्शन है उसे हम वेली रिमूव करते हैं एंड देन फिर हम टेस्ट करते हैं कि ये जस्ट मेरा यहाँ पर मकसद जो है ना आपको ये बताना है कि आप Uh, आपने एरर कैसे हैंडल करना है सो दिस इज ईमेल सेक्शन एंड दिस इज द पासवर्ड सेक्शन देन हियर इट इज विद इज वैलिडेशन अच्छा ये वैलिडेशन राइट नाउ हम क्या करते हैं राइट नाउ कमेंट आउट कर देते हैं ओके सो पासवर्ड वैलिडेशन हमने रिमूव कर दी

अगर वीक पासवर्ड होगा तो हमने क्या रिटर्न करना है फाल्स रिटर्न करना है सक्सेस और ये हमने साथ में एक एरर मैसेज रिटर्न कर देना है अब यहाँ पर लास्ट टाइम मसला ये हुआ था अब कुछ देर पहले जो हमें एरर मैसेज नहीं आ रहा था उसकी वजह ये थी कि हमने जस्ट ये दो हैंडल किए हुए हैं हमने यहाँ पर कोई और एल्स नहीं डाला सही है तो इनके इनके अलावा जो और बहुत सारे एरर कोड्स हैं अगर उनमें से कोई एरर आ जाए सो तो ये दो दो, दो रिटर्न नहीं होंगे बट एनी हाउ हमें एक और एरर मैसेज यहाँ पर चाहिए होगा सही है सो हम यहाँ पे क्या कर करते हैं यहाँ पे भी फॉल्स कर देते हैं मतलब अगर ये दो ना हो कोई और हो अब सारे हम हैंडल नहीं कर सकते राइट नाउ टाइम कम है सो दैट्स वाई बाकी आप खुद हैंडल कर सकते हैं जस्ट तो आपको बताना था यहां पर सही है क्रिएट अकाउंट फेल फॉर सम रीजन सही है सो so हम यहां से क्या रिटर्न करेंगे क्रिएट अकाउंट फेल फॉर सम रीजन सही है अब जैसे ही हमारे पास कोई इनवैलिड यहाँ पे एंट्री होगी सो उन केसेस में आपके पास ये जो अगर आ, जो अगर हमने प्रॉपरली हैंडल किया हुआ है तो आपको वो एरर मैसेज दे देगा अगर हमने हैंडल नहीं किया तो आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपको ये एरर मैसेज देगा ओके शिट यहाँ पर मसला ये यहाँ परिटर्न पर तो कर रहे हैं यहाँ पर हमने ट्रू रिटर्न किया हुआ इन वैलिड ई मेल के केस में सो देट वाई ये मैसेज था आ रहा था

Uh, gmail.com अच्छा अभी हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है सही हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हम दोबारा से इसको रिलोड करते हैं सो so, अभी यहाँ पर हमारे पास एक अकाउंट एक क्रिएट हुआ होगा सही और लास्ट अभी जो हमने ट्राइज किए थे दो तीन जो यहां पे एरर मैसेजेस आए थे तो इन केसेस में यहाँ पर हमारे अकाउंट्स क्रिएट नहीं हुए होंगे सही है ये देखें हमारे हमारा यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है अब हम आते हैं फायर बेस क्लाउड स्टोर में क्लाउड फायर स्टोर में यहाँ पर हमारा डाटा पुश हुआ है या नहीं अब यहाँ पर हमारा डेटा पुश नहीं हुआ प्रॉपरली सही है अब हम इसको थोड़ा सा डिबक करते हैं कि यहाँ पर हमारा डाटा पुश क्यों नहीं हुआ सही सो जब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होता है सही है अकाउंट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है यहाँ से अकाउंट क्रिएटेड यहाँ पर आप लोग देख लें ये तो आ गया है account created and then उसके बाद इसने ये फंक्शन भी कॉल किया है और यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा इसने पास, पास किया है बट uh, यहाँ पर कोई एरर मैसेज भी उसके बाद नहीं आया और हमारा डाटा भी द कॉलर डज नॉट है स्पेसिफिक ऑपरेशन ओके okay, सो so हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि यार हम इस मैसेज में है एक एट, ये हम जस्ट अपने डिबगिंग के लिए करते हैं कि यहां पर हमारे पास डिबगिंग प्रॉपरली हो ये आपको स्टैक ट्रेस भी देता है सही है आ, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं स्टैक ट्रेस जब आप जस्ट आपको ये बताते कि किस लाइन पे कोई एरर आया था सही है तो मैं दोनों प्रिंट कर रहा हूँ जस्ट एट अकाउंट एक क्रिएट अकाउंट ओके एट डेटाबेस सर्विस स्लैश क्रिएट अकाउंट सही है तो से हम आते हैं एक नया अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहां पर और देखते हैं कि यहां पर हमारे पास ये डेटा पुश क्यों नहीं हो रहा ओके वन एट gmail.com मैं इस चीज़ पे थोड़ा तो टाइम ले रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो चीज़ हैं ये प्रॉपरली सीखें क्योंकि जितने भी मसले राइट नाउ यहाँ पर आ रहे हैं ना यही से मसले आपको भी आ सकते हैं सो uh, so, ताकि आप इन इश्यूज से uh, गुजर के गुजरेंगे तो आप अच्छा ये यहाँ पर क्या एरर मैसेज है कि द कलर डज हैव परमिशन टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ऑपरेशन मेथड चैनल इज दिस वन ओके और यहाँ पर तो आ गया है नो एक्सेप्टेबल मॉड्यूल फाउंड फेल एक्सेस हेड मेथड क्लोज गॉड दिस क्लाउड फायर स्टोर परमिशन डिनाइड ओके अब यहाँ पर क्लाउड फायर स्टोर जो है यहाँ से हमारा परमिशन डिनाई हुआ है सो so, हम देखते हैं कि हमारा परमिशन क्यों डिनाई हुआ है Uh, जो परमिशन मोस्टली होते हैं वो सिक्योरिटी रूल्स की वजह से होते हैं सही है सो so, यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटीमेंट हुए हैं सही है सो so, हम क्या करते हैं यहाँ से मैच मैच की जरूरत नहीं है जस्ट uh, हम डायरेक्टली अलाउ करते हैं अच्छा सारा सिक्योरिटी रूल्स की वजह से जो अभी यहाँ अभी तक हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं होता इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं अलाउ रीड एंड राइट ओके चले इसको यहां पर हम लिखते हैं रीड ट्रू एंड राइट ट्रू अस तो में काफी टाइम हो गया है, मैंने सिक्योरिटी रूल्स का काम नहीं किए सो दैट्स व्हाई आई मोस्टली फॉरगेट अबाउट इट ओके यहां पे एरर आ रहा है uh, यहां पर हमारे पास सिक्योरिटी रूल्स तो हमने जस्ट ओके डेटाबेस डेटाबेस स्लैश डॉक्यूमेंट्स अलाउ रीड एंड राइट एफ फॉल्स

तो so, यहां पर आपके पास सिक्योरिटी रूल्स बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है uh, उसको आप यूज कर सकते हैं सही है प्रोडक्शन रेडी रूल्स डेवलपमेंट एनवायरमेंट रूल्स ऑल अन्थेंटिकेटेड अलाव रीड एंड राइट ऑल अन ऑल अथेंटिकेटेड यूजर्स डेवलपमेंट लॉकड मूड असल में राइट नाउ अभी हमारे पास अच्छा ये फॉल्स है मसला आ रहा था इसको हम क्या करते हैं इसको हम थ्रू कर देते हैं डायरेक्टली रिलोड ओके okay. अभी हम दोबारा से यहां से एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे सो अभी हमारा ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा री स्टार्ट ओके Okay, अभी अकाउंट क्रिएट करते हैं सो so अभी हमारा अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा सही है अभी ये देख लें अब यहाँ पर कोई इशू नहीं आया क्योंकि उस टाइम हमारे पास सिक्योरिटी रूल्स अलाउ नहीं कर रहे थे यहाँ पर इस डेटा को एक्सेस करें सो so हमारा डेटा यहां पे नहीं हो रहा था अभी हम देख लें सो so ये यह देखें पर अभी जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया है ना उसका सारा डेटा यहाँ पर आ गया है सही है ई मेल पास फुल नेम फुल नेम फादर नेम एंड फोन नंबर सो दिस इज हाउ यू कैन पुश यूर डेटा टू फायर स्टोर डेटा आपका फायर स्टोर डेटाबेस सही है सो so, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं अवेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन डॉट यूजर स्लैश डॉट एड और आप जो है ना वो डेटा जो आपने ऐड uh, करना है इस कलेक्शन के अंदर तो आप डेटा आपको यहाँ पर दे देते हैं, सही है uh, अब इसमें एक और ऑप्शन है हमारे पास डॉट चाइल्ड डॉट चाइल्ड नहीं डॉट डॉक्यूमेंट सही है अब यहाँ पर ये जो आईडी है ये आईडी ये बाय डिफॉल्ट खुद दे रही है फायर फायर बेसिस को अगर आपने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक आईडी देनी है इसको तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक आईडी भी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप देना है ये आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है वो एज आई डी हो बट ये आई आपके पास यूनिक होनी चाहिए सही है स्टूडेंट नेम आपका यूनिक नहीं है बट राइट नाउ जस्ट एज एग्जाम्पल हम देखते हैं सही है डॉट सेट फिर हमें यूज करना पड़ेगा डॉट एड यूज नहीं करना पड़ेगा सही है डॉट सेट एंड स्टूडेंट डॉट टू जेसन स्टूडेंट का डेटा आपके पास जेसन फॉर्मेट में आ जाएगा एंड उसी को हम यहां पर पुश कर रहे हैं सही है uh, हाँ इसको हम करते हैं गुलजान फादर नेम इज खान जान एंड फोन नंबर इज वन and this is pass okay हमारे पास यहाँ पर एक account create हो चुका है सही है? आ, ये देखें आपके पास गुलजान आ गया है सही है तो आ, ये जो आई है ये गुलजान आया है सही है? अब जैसे सर हमारे आपके पास जो है ना वो आई डीज है ये आपके पास यूनिक होने चाहिए सही है ये जो आईडी है ये यूनिक होनी चाहिए सो so, अगर आप चाहते हैं कि यहां पर हमारे पास जब यूजर, यूजर का अकाउंट क्रिएट होता है सो so मोस्टली हम क्या करते हैं मोस्टली हम ये करते हैं कि ये यूजर, यूजर जो है इसका जो ऑथेंटिकेशन जब ये ऑथेंटिकेट होता है फायरवेस के अंदर सो so इसे एक आईडी असाइन होती है जो कि यूनिक होती है सही सो so, हम क्या करते हैं uh, हम ये जो यूजर का डाटा है यूजर का जो डाटा है लेट uh, सपोज ये यूजर्स हैं इसके अंदर ये यूजर का जो डाटा है सही है ये जो आईडी है ये हम ये जो यूजर की आईडी है यही रखते हैं एग्जेक्टली exactly, सही सो so, यहाँ पर भी हम वही करते हैं कि uh, uh, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आईडी है सो so, ये हम ये हमने क्या रखना है सो तो हम यहाँ पर स्टूडेंट पास कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ हम क्या करते हैं आई डी भी पास करते हैं यहाँ पर सही है यू यू आई डी उसको हम नाम देते हैं या आप जस्ट आई का नाम दे दें

सो यूजर नेम की वजह हम क्या करते हैं जो यूजर की जो यूजर आईडी है वो ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट की uh, आ जाए डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वो वही आ जाए सो so, इसको हम आउट रीस्टार्ट करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स uh, हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम डिलीट करते हैं यहाँ से डिलीट डॉक्यूमेंट आप यहाँ से बाय द वे ये कलेक्शन भी डिलीट कर सकते हैं सही है ये कलेक्शन अगर आप डिलीट करते हैं ना तो एक नया जब हम यहाँ पर अभी अब अब आप ये सोचेंगे यार यहां से तो वो टेबल सपोज टेबल जो जो का है या कलेक्शन का जो कंसेप्ट है, है यहाँ से हमने कलेक्शन डिलीट कर दिया है और यहां से हम डेटा इसी कलेक्शन में पोस्ट कर रहे हैं सही है कलेक्शन डॉट यूजर सो ये फायर क्या करता है अगर ये कलेक्शन मौजूद है तो उसी में डाटा पोस्ट कर देगा सही है आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर ये कलेक्शन मौजूद नहीं है तो आप ये कलेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और उसमें वो डॉक्यूमेंट एक पोस्ट कर देगा सो uh, so, हम यहां से दोबारा से अकाउंट क्रिएट करते हैं अरून खान फोन नंबर इज दिस वन एंड ईमेल भी हम देते हैं लेट सपोज हारून डबल वन एट जी मेल डॉट कॉम सो हमने जिसकी डबी पासवर्ड रख दिया है सही तो so, अभी वहाँ पे जो यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ होगा उसमें हमारे पास जस्ट आ, जो डॉक्यूमेंट की आईडी होगी वो कौन सी होगी जो यूजर की अपनी यूजर आईडी है फायरबेस में अब यूजर्स का कलेक्शन भी क्रिएट हुआ है यूजर कलेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट डेटा

यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम